खुल के नाम ले रहा हूं, उसके बाद दोबारा नहीं लूंगा। पाकिस्तान के शहर मुल्क लाहौर का एक मौलवी है जिसका नाम जवाद नकवी है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं जल्लाद लाहौरी। ये आज से नहीं, कई सालों से तौहीन अहले बैत, तौहीन नबूवत, तौहीन जनाब खदीजा, तौहीन आजादारी, ये सब मुसलसल करता चला रहा है। समझ गए? आप पूछिए क्यों नहीं कह रहा हूं, सामने कैमरों के कह रहा हूं, किसी मौलवी कोई बताए आज उसने कहा, कल उसने कहा। मैंने सीना ठोक के कहता हूं, मैंने कई साल पहले उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, अगर उस वक्त सब मेरी आवाज में आवाज मिला देते तो आज उसकी हैसियत ना होती। लेकिन जब हमने कहा तो सब जाती मफाद में चले गए। अब जब अपने पे पड़ी, पहले सांप को पाला, अब जब सांप ने डसा और तकलीफ हुई तो कहा ये तो जहरीला था, तो कहा है समझ तुम्हारी। और वो कहता क्या है? मैंने कह दिया देखिए सारी चीजें, नौजवान हो जाकर देखना, भोले लोग हैं। वो ऐसी बातें पेश करता है, मतलब ऐसे ऐसी चीजें। उसने इमाम हुसैन के सिलसिले में गुस्ताखी की, उसने मौलाए कायनात के सिलसिले में गुस्ताखी की, उसने जनाब मुख्तार, ये सब बातें छुपी हुई नहीं है, जाना सर्च करना सोशल मीडिया में, जाकर सर्च करना, सब चीजें मिलेंगी तुमको। उसने अंबिया के सिलसिले में गुस्ताखी की, उसने जनाब मुख्तार के सिलसिले में गुस्ताखी की, वो मुसलसल आजादारी के सिलसिले में गुस्ताखी कर रहा है। आज कहता क्या है कि ये ना करो वो ना करो, समझ गए? वो तौहीन मर्जियत की भी करता है। उसने आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सिस्तानी दामत बरकातहू की शान में गुस्ताखियां की हैं, और जब खामनाई साहब ने बयान नहीं दिया कश्मीर के सिलसिले में, तो उसने खामनाई साहब को भी बुरा कहा है कि कश्मीर के सिलसिले में बोलते नहीं हैं। वो हर तरीके से गुस्ताख है, लानती है, मलून है। मैं कह रहा हूं सारी बातें कह रहा हूं, चैनलों पे कह रहा हूं, निकाल लीजिएगा काट काट के इसमें से, कि इसमें से मेरी कोई बात गलत निकलती है तो बताइएगा। सबसे पहले मैंने आवाज उठाई थी इस हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, उस वक्त सारे मौलवी खिसक लिए थे, हैं? सब मौलवी उसकी खबा में छुप गए थे जाकर, किसी के मुंह में जो है जबान नहीं थी कि बोलता। मेरा दुश्मनी नहीं थी, वो पाकिस्तान में था, मैं लखनऊ में बैठा हुआ था, मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। एक घंटे के अंदर 50 फोन पाकिस्तान से आए थे, सारी हमें सारे मौजूद है हमारे पास सबूत। एक घंटे के अंदर 50 फोन आए थे हमको धमकी देने के कि आपने आगा, अब एक जुमला कह रहा हूं समझिएगा, यहां यहां कौन कौन हिमायती, आगा जवाद नकवी को बुरा कह दिया। सारे स्क्रीनशॉट हमारे पास मौजूद है, जिस जिसके फोन आए थे, जिस जिस नंबरों से आए थे। और क्या, आपने कोई मौलवी नहीं बोल रहा था, सब चादर ताने सो रहे थे। अब कहा जा रहा है कि मैं पहले कभी नहीं बोला, तो भैया अगर आजादारी की बात थी तो पहले बोलते, अब क्यों बोले? अब बोलना इस बात की दलील है कि अहले बैत के लिए नहीं।